हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, ICAR का जो इंडियन काउंसलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है UG तथा PG में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है वो 1 जुलाई को संपूर्ण हो चुका है और उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर गया होगा। तो दोस्तों, क्या कट ऑफ यूनिवर्सिटी वाइज रह सकती है, क्योंकि ICAR के थ्रू काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया जाता है, तो क्या इसका कट ऑफ रह सकता है कास्ट वाइज यूनिवर्सिटी वाइज, वो सभी इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आपको बताया ना ये होगा कि जो आपने एग्जाम दिया है, आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तथा आपका स्कोर क्या बन रहा है, तो आपने एक अंदाजा लगाया होगा उसके मुताबिक आपका स्कोर क्या बन रहा है। जल्दी ही इसकी आंसर की भी रिलीज कर दी जाएगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसी भी कट ऑफ को अफेक्ट करने के लिए जो रीजन होते हैं वो ये होता है कि टोटल सीट क्या है। तो जो मैं टोटल सीट की बात करूं, जो ICAR के थ्रू भरी जाती हैं, चाहे वो UG हो PG हो, तो लगभग 2000 सीट होती है, 2000 UG की सीट होती हैं जिनमें ICAR के थ्रू एडमिशन लिया जाता है। यदि मैं रजिस्ट्रेशन और एग्जाम देने वालों की बात करूं, तो लगभग 1 लाख स्टूडेंट थे जिन्होंने ICAR का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था तथा एग्जाम देने गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन काफी बेहतर है। और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मैंने इनका कट ऑफ बताया है, लगभग 30 से 40 यूनिवर्सिटी ICAR के थ्रू रहती हैं जो इनमें एडमिशन लिया जाता है। एक चीज आप ये और समझते होंगे कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, जिसे आप डिमिडेड यूनिवर्सिटी बोलती हैं, तो उन डिमिडेड यूनिवर्सिटी में 100% सीट भरी जाती हैं ICAR के थ्रू, मगर जो सेंट्रल के अलावा स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं, 15% सीटें भरी जाती हैं UG में तथा 25% सीटें रिजर्व रहती हैं ICAR में PG सीटों के लिए। यदि आपको UG में किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपके लिए 15% रिजर्वेशन है वहाँ पर। यदि आपको PG में चाहिए तो 25% रिजर्वेशन है। तो आप समझ गए होंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 100% और स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको 15% का रिजर्वेशन मिलता है। तो कुल मिलाकर लगभग 2000 सीटें होती हैं। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो कट ऑफ जनरल OBC SC ST तथा PH को, जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, उसको हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले जो मैं बात करता हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करता हूं जो वाराणसी में है, और ICAR के लिहाज से जब से ज़बरदस्त कट ऑफ इसी यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है। रीज़न ये भी है कि ये यूनिवर्सिटी भारत की टॉप यूनिवर्सिटियों में गिनी जाती है, चाहे वो एग्रीकल्चर का रहा हो, चाहे इसे IIT के बेसिस से मान सकते हैं आप, IIT का दर्जा प्राप्त यूनिवर्सिटी है ये। तो BHU वाराणसी का जो कट ऑफ की बात करूं, जनरल के लिए यहां 420 का कट ऑफ जा सकता है, और जो स्कोर है अब की बार 600 था, 600 में से 420 मार्किंग आपको करनी होगी, यानी कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी यहां पर है। यदि मैं OBC कैंडिडेट को बात करूं, तो OBC कैंडिडेट को यहां पर 400 मार्किंग करनी होगी, 400 मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं निगेटिव काटने के बाद, तो एक गुड अटैम्प्ट है और आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। SC कैंडिडेट को 360 और ST तथा PH जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, उनके लिए 340 स्कोर होना जरूरी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। ये टॉप यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। यदि मैं एक ओवरऑल कट ऑफ की बात करूँ, तो ओवरऑल कट ऑफ ये होता है कि आपको 280 से लेकर 300 से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से आपका कट ऑफ बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। यदि आपका स्कोर जर्नल में 300 है तो आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, मगर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि आपको ये टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। SC कैंडिडेट की भी बात करूँ, तो SC कैंडिडेट को 280 तथा ST कैंडिडेट को 250 पर भी यूनिवर्सिटी मिल जाती है, यदि वो बिलोंग करता है अदर यूनिवर्सिटी से। इन यूनिवर्सिटी में मुश्किल है। सबसे पहले ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपका 50% होना चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं है इस तरीके का। सबसे पहले वो आपका इंटर में होना चाहिए। यदि आपका इंटर में 50% है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यहाँ ये चीज़ वेरी नहीं करती। यदि मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है हिसार की बात करूं, हिसार चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार, तो वहां पर 410 स्कोर आपको चाहिए, 400 OBC में, 350 SC में तथा 340 ST कैटेगरी में यदि आप हैं तो आपका स्कोर इतना होना चाहिए। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, बहुत महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है और पूरे भारत में इस यूनिवर्सिटी का नाम है अपने एग्रीकल्चर क्षेत्र को लेकर। तो इस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ 400 जाने की पॉसिबिलिटी है। यदि आपका स्कोर 400 है जर्नल में और आप चाहते हैं कि गोविंद बल्लभ भाई यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, तो आपका स्कोर 400 होना चाहिए। OBC में यदि आप बिलोंग करते हैं तो 390 होना चाहिए, SC में 340 तथा ST में 330।
जब आप एग्जाम देकर आते हैं जब, तो आपको एक चीज का मालूम पड़ जाता है कि आपका स्कोर लगभग इतना बन जाएगा। क्लियर नहीं होता, क्लियर तब होता है जब आंसर की रिलीज कर दी जाती है। तो आज या कल में कभी भी आपकी आंसर की रिलीज की जा सकती है, ज्यादा टाइम नहीं होगा। और रिजल्ट जो है आपका, जो डेट दी गई है 17 जुलाई को आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और लगभग जुलाई के लास्ट वीक से ही आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी, उस पर भी हम आपको वीडियो बनाएंगे। यदि मैं बात करूं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की, तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जनरल के लिए 400, ओबीसी के लिए 380, एससी के लिए 340 तथा एसटी और पीएच के लिए 320 मार्क्स होने चाहिए। ये मार्क्स आपके निगेटिव हटाने के बाद होने चाहिए। निगेटिव जब आपको काट कर पूर्णतः लगे कि आपका स्कोर इतना बन रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी, तथा अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी करें। चौधरी चरण सिंह, यदि हम चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो दोस्तों ये हमारा जो अंदाजा है वो इस चीज़ पर टिका है कि जो लगातार प्रीवियस ईयर से कट ऑफ बनती आ रही है यूनिवर्सिटी की, उसके बिहाफ पे हमने ये कट ऑफ तैयार किया है कि लगभग इतना ही कट ऑफ रहेगा। और अमूमन यह देखा जाता है कि इसी तरह का कट ऑफ यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है। तो चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो 390 मार्क्स यदि आपके हैं तो गुड है। यदि आपके ओबीसी में 380, एससी में 340 तथा एसटी में 320 हैं, तो आप चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात करूं मैं, जो हमारी तीन यूनिवर्सिटी हैं IARI, RAUP सपूसा तथा RLB, ये हमारी डिमिडेड यूनिवर्सिटी हैं तथा इन पर 100% सीट रिजर्व रहती है ICR के थ्रू। यदि आपने ICR का एंट्रांस दिया है तो आप तभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाएंगे, यदि आपने नहीं दिया है तो आप इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं पाएंगे। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो न्यू दिल्ली में है, उसका कट ऑफ काफ़ी देखने को मिलता है, जो 400 कट ऑफ तक या उससे भी ज़्यादा कभी कभी यहाँ कट ऑफ देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर का। 400, ओबीसी के लिए 390, एससी के लिए 350 तथा एसटी के लिए 330। यदि बात करता हूं मैं रानी, यह है आपका राव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पूसा बिहार, जो समस्तीपुर में लगता है, वहां पर आपका 390 मार्क्स होने चाहिए। एससी के लिए 300, ओबीसी के लिए 380, एससी के लिए 340 तथा एसटी और पीएच के लिए 320 यहां पर आपको मार्क्स चाहिए। यदि मैं रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, जो झांसी में है, तो इस यूनिवर्सिटी के लिए आपको जनरल में 380, ओबीसी में 370, एससी में 330 तथा एसटी में 330-10 की मार्किंग करनी पड़ेगी। नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो गुजरात में है, इसमें जनरल का कट ऑफ 370 होता है, ओबीसी का कट ऑफ लगभग 350 और एससी का 320 तथा एसटी का लगभग 300 देखने को मिलता है। तो ये टॉप यूनिवर्सिटी हैं, इनके अदर भी बढ़िया बेहतर यूनिवर्सिटी हैं, मगर हमने इन्हें टॉप यूनिवर्सिटी का आपके साथ डिस्कस किया है कि इनका कट ऑफ क्या रह सकता है। और अगर मैं एक एवरेज कट ऑफ की बात करूं कि जिन पर आपका कट ऑफ बन जाएगा, आपको कोई ना कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी ICR के थ्रू, तो जनरल में यदि आप 300 मार्क्स कर पा रहे हैं, प्लस माइनस हो सकता है थोड़ा, यदि आप 300 मार्क्स कर पा रहे हैं तो आपको ICAR की कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। चाहे वो इनमें से तो शायद ना मिले, मगर जो अदर यूनिवर्सिटी हैं जो ICAR से बिलोंग करती हैं, उनमें आपको स्टेट यूनिवर्सिटी जो हैं उनमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट की मैं बात करूं, तो ओबीसी कैंडिडेट को अगर 280 मार्क्स कर रहा है तो उसका कट ऑफ में नंबर आ जाएगा, उसकी रैंक जारी होगी और उसको भी कोई ना कोई यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। यदि मैं बात करूं एससी कैंडिडेट की, तो एससी कैंडिडेट को 260 नंबर पर कोई ना कोई यूनिवर्सिटी मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। एसटी कैंडिडेट का जो कट ऑफ रह सकता है वो लगभग 230 या 240 तक रह सकता है, जहां पर उसे कोई ना कोई यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, मगर ये उम्मीद नहीं कह सकते आपकी, तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी में इतने मार्क्स पर नंबर मिल जाएगा। जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं और टॉप यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्या रह सकता है, जनरल ओबीसी एससी एसटी, वो सभी हमने आपसे इस वीडियो में डिस्कस किया है। 17 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपके मुताबिक जो आपने एग्जाम में किया है आपके लिए बेहतर रिजल्ट साबित हो, तथा जो आपने अपने फोकस गोल सेट किए हैं उसमें आपको सफलता मिले, इसी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करता हूं। दोस्तों यदि आपको और भी कोई चीज़ें जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको सारे कमेंटों के थ्रू आपके आंसर देने की कोशिश करेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया, रिजल्ट ट्रांसफर की सभी की जानकारी हम इससे आपको मुहैया कराएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।